हे बच्चों, आज हम सीखेंगे दिवाली पर निबंध। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिवाली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो कि बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है। दिवाली को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दीपों की माला। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस लौटे थे। इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के कई दिनों पहले से ही घरों की सफाई एवं रंगाई पुताई की जाती है। दिवाली के दिन लोग घरों में दिए जलाते हैं और सब जगह रोशनी करते हैं। इस दिन
बाजारों में बहुत भीड़ भाड़ होती है। दुकानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भी मिलती हैं। दिवाली के दो दिन पहले धनतेरस और एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। लोग अपने रिश्तेदारों दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं और दिवाली की बधाई देते हैं। रात के समय सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद सब लोग मिलजुल कर मिठाई खाते हैं और पटाखे व फूलझड़ियाँ जलाते हैं। दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की
जीत का प्रतीक माना जाता है।